एक बंजर जगह जो जानी जाती है विचित्र और दिल दहला देने वाली घटनाओं को। अलास्का एक ऐसी जगह है जहां हैरतअंगेज घटनाएं साफ साफ देखी गई हैं। एक विशाल सूखा इलाका जहां लोग खो जाते हैं और कभी नहीं मिलते। अलास्का में आज भी करीब 500 से 2000 लोग हर साल गायब हो जाते हैं। ये यूएफओ गतिविधियों के लिए एक रहस्यमय जगह है। मैं पिछले 37 सालों से प्लेन उड़ा रहा हूँ और मैंने काफी अजीब चीजें देखी हैं, पर जो मैंने उस वक्त देखा वो किसी भी हाल में नॉर्मल नहीं था। क्या अलास्का का ऊबर खाबड़ इलाका कुछ ऐसे रहस्य छुपाए हैं जो इस दुनिया से परे? दूर तक फैली इस जगह पर कोई आबादी नहीं है और यहाँ की सरहदें विशाल और गगनचुंबी हैं। यहाँ हर तरह की चीजें होना संभव है। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, उसके परे सच की उम्मीद है। इसके लिए जरूरी है कि हम अब तक पढ़ाई गई हर चीज पर सवाल करें। सबूत हमारे चारों तरफ, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले नहीं थे। The Mysteries of Alaska. अलास्का यूएस के सभी राज्यों से बड़ा, देश के सबसे ऊंचे पहाड़ों को समेटे हुए, वहां का विशाल नेशनल पार्क और बाकी राज्यों से ज्यादा कोस्टलाइन को अपना बनाए हुए हैं। गैर आबादी वाला घने और अनगिनत पहाड़ों के साथ अलास्का एक ऐसी जगह है जो बहुत ही खूबसूरत, डरावनी और दिल दहला देने वाली हो सकती है। अलास्का का बंजर इलाका 6,00,000 स्क्वायर मील से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। लोगों को शायद पता नहीं, पर ये टेक्सस से करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ी जगह है। ये विशाल पैमाने पर बसा है। ये दुनिया का वो हिस्सा है जो काफी सुनसान, बहुत ही ठंडा और पिछड़ा हुआ है, जहाँ कहीं भी जाने के लिए सड़कें तक नहीं है। अलास्का को इतनी गहराई से जानने के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो इसकी विशालता और भव्यता को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। यहाँ करीब 17 माउंटेन रेंजेस है, 66,000 मील में फैला कोस्टलैंड और करीब 3,000 नदियाँ और 30,00,000 से ज्यादा लेक्स हैं। यानी ये सच में दुनिया की आखिरी सरहदों में से एक है और मेरी अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सबसे मुश्किल जगह है जहाँ रहना कठिन है। हम बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड, ऊंची चट्टाने और खतरनाक जानवर की। ये सच में इन सभी को समाये हुए है। सदियों से अलास्का की विशाल और बंजर जमीन जानी जाती है एक ऐसी जगह के तौर पर जहां लोग अक्सर खो जाते हैं जो कभी वापस मिलते नहीं। अलास्का में आज भी करीब 500 से 2000 लोग हर साल लापता हो जाते हैं। उस वक्त ये एयरप्लेन्स में सफर नहीं कर रहे थे, मगर इससे समझा जा सकता है कि ये जगह कितनी खतरनाक और मुश्किलों से भरी है। अगर जमीन से इंसान गायब हो सकते हैं तो एयरक्राफ्ट में क्या हालत होगी, ये भी समझा जा सकता है। मुझे लगता है लापता होने के कई हादसों को समझाया जा सकता है, मगर फिर भी ऐसे कई हादसे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और एक प्रोफेशनल एक्स फाइटर पायलट होने के बावजूद उन्हें नहीं समझा सकता। 16 अक्टूबर 1972 को अमेरिका के इतिहास में लापता होने के सबसे फेमस हादसों में से एक अलास्का में हुआ। लुइजियाना कांग्रेसमैन और हाउस मेजॉरिटी लीडर हेल बॉग्स ने एंकरेज से 2 इंजन वाला सेस्ना प्लेन स्टेट कैपिटल जूनो के लिए बोर्ड किया। उनके साथ अलास्का के लोकल कांग्रेसमैन निक बैगिच भी थे। एंकरेज से जूनो के लिए कांग्रेसमैन का प्लेन निकलने के बाद कई बार कोशिश करने के बाद भी रेडियो पर पायलट से बात नहीं हो पाई। उन्होंने रेडियो पर एक नॉर्मल रिपोर्टिंग की शायद टेक ऑफ के कुछ 9 मिनट बाद, और फिर उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। 2 यूएस कांग्रेसमैन का लापता होने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और जिसके बाद उनकी खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उस वक्त उन्हें ढूंढने और रेस्क्यू करने के लिए निक्सन ने यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में सबसे महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन किया था। उसके बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला।
ऑपरेशन में करीब 40 एयरक्राफ्ट यूज हुए, जिनकी मदद से 360,000 किलोमीटर के एरिया में उन्हें ढूंढा गया। सच ये है कि उस एयरक्राफ्ट से जुड़ी कुछ भी चीज किसी के हाथ नहीं लगी, न मेटल का छोटा सा टुकड़ा, न तो सबूत, और इस हादसे ने इस जगह के रहस्य को और गहरा कर दिया। असल में 100 से ज्यादा प्लेन्स अलास्का के ऊपर से निकलते हुए लापता हो चुके हैं, जो कभी नहीं मिले, जिसके लिए सख्त मौसम और वहां की जमीन को जिम्मेदार ठहराया गया। वहीं अलास्का सालों से वहां होने वाली अजीब चीजों और गतिविधियों के लिए मशहूर है। अभी हाल ही में 10 फरवरी 2023 को एक यूएस F-22 फाइटर जेट ने आसमान में उड़ रही एक अनजानी चीज पर हमला किया, जो अलास्का के नॉर्थ कोस्ट से 10 मील की दूरी पर थी। ये शूट डाउन दुनिया भर में सुर्खियों में आ गया। अलास्का में पिछले 100 सालों से कई अजीब चीजों के होने की बात सामने आई है, जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल और फिर जापान का डेविल्स ट्रायंगल। उस जगह पर आज तक ना जाने कितनी तरह की अजीब चीजें हुई हैं, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी, अजीब तरह के जानवरों का होना, या टाइम या स्पेस से आए मॉन्स्टर्स, और यूएफओ के दिखाई देने के साथ ही रहस्यमय तरंगों का दिखना। कमर्शियल पायलट थियो चेसली पिछले 4 दशकों से अलास्का में प्लेन उड़ा रहे हैं, और उन्होंने आसमान में हुई ढेर सारी अजीब कहानियां सुनी हुई हैं। मगर चेसली ने 2019 तक उन पर ध्यान नहीं दिया, पर माउंट शेषलादीन से उड़ते वक्त उन्होंने जो देखा उसने उनका नजरिया बदल दिया, जो एल्यूशियन के यूनिमार्क आइलैंड पर एक एक्टिव वोल्केनो था। अक्टूबर 2019 की एक सुबह की बात है, हमारी एक नॉर्मल चार्टर फ्लाइट थी सैंड पॉइंट से सीधा डच हार्बर के लिए, जिसमें 3 पैसेंजर्स भी थे। करीब आधे रास्ते के बाद हम नॉर्थ से होते हुए वोल्केनो की तरफ बढ़ रहे थे। उस दिन मौसम भी काफ़ी अच्छा था, विजिबिलिटी अच्छी थी, और वोल्केनो के साउथ की ओर करीब 15 मील दूर हमें आसमान में कुछ दिखाई दिया। एक हॉरिजॉन्टल डिस्क की शेप के जैसे दिखने वाला कोई ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। जैसे जैसे हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, वो डिस्क और भी ज़्यादा क्लियर हो गई, वो वर्टिकल शेप में बदल गया। हम समझ गए थे कि हमारे सामने एक अनोखी चीज़ हो रही है, बस समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डिस्क शेप जैसा अजीब ऑब्जेक्ट देखने के बाद जब चेसली और उन 3 पैसेंजर्स ने वैसे ही एक और चीज़ देखी तो वो हैरान रह गए, जो उन्होंने वोल्केनो के मुंह से बाहर निकलती हुई देखी। हमने देखा कि एक चीज़ उड़ती हुई वोल्केनो से बाहर निकल रही थी, और जो सफ़ेद धुएँ से पूरी तरह घिरी हुई थी, और करीब उसी टाइम पर हमने एक हरे रंग की गोलाकार चीज उस वोल्केनो के पास देखी। और जिस वक्त ये सब हो रहा था, वो ऑब्जेक्ट इस गोलाकार चीज के अंदर जाता है और एक बूंद जैसा दिखने वाले शेप में बाहर निकलता है। हमने सोचा कि हम कुछ छेड़खानी ना करें और इससे दूर ही रहें, वरना ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ ऐसी मुश्किलों से गुजरना पड़े जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। जो चीजें थियो चेसली ने देखी, क्या वो अलास्का के इतिहास में अनसुलझी गुत्थी का होना, लापता होना और अनजाने जीवों के होने को दर्शाता है? शायद उन पिक्चर्स पर गौर करके कुछ और सबूत पाए जा सकते हैं जो चेसली और उनके साथी पैसेंजर्स ने वहां ली थी, और कुछ सबूत उनकी रिपोर्ट से मिल सकते हैं जिसमें उन्होंने दूसरी रहस्यमय चीज का जिक्र किया है। पायलट थियो चेसली ने अलास्का के इतिहास में हाल ही में हुए सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय यूएफओ के दिखने के बारे में बताया। इस वारदात ने ऑथर और रिसर्चर डेविड चिल्ड्रस का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो चेसली से मिलने के लिए एंकरेज तक आए ताकि इस खौफनाक हादसे की सबूतों पर गौर कर सके। हाय थियो। हाय डेविड, आपसे मिलकर अच्छा है। मुझे भी, मुझे पता चला कि आपके पास बताने के लिए एक मजेदार कहानी है। बिल्कुल, जो मैंने इसी एयरक्राफ्ट के अंदर बैठे देखी। आप काफी सालों से यहाँ फ्लाइंग कर रहे हैं ना? हाँ, करीब 35 सालों से। तो पहली बार ये कब हुआ था? तो जब हम 2019 के अक्टूबर में फ्लाइंग कर रहे थे और वोल्केनो के नॉर्थ ईस्ट की तरफ थे। जब वोल्केनो से करीब 30 मील की दूरी पर थे, तब हमें आसमान में कुछ दिखाई दिया।
जो हमने देखा था वो ये था। क्या उसके आसपास कोई बादल भी था या नहीं? उस पर पूछ जैसा कुछ था और पीछे धुएं के कुछ गुच्छे की तरह कुछ दिख रहा था, तो मैंने उसकी तरफ देखा और सोचा कि ये क्या है। जैसे जैसे हम वॉल्केनो के पास पहुंचने लगे तो हमने देखा कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्क ऑब्जेक्ट वर्टिकल हो गया और वॉल्केनो के पास जाकर रुक गया और अपना शेप नहीं बदला। तो पहले वो चल रहा था और फिर वो रुक गया? बिल्कुल, वॉल्केनो के पास जाकर। तो उसे देखकर मैं सोचने लगा कि अगर ये धुएं से बना रिंग है तो वो एक शेप में नहीं रहेगा और नहीं रुकेगा, उसे गायब हो जाना चाहिए। पर वो पूरे वक्त उसी शेप में था। और आपने उससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा था? मैं 35 सालों से प्लेन उड़ा रहा हूँ और मेरा फ्लाइट टाइम करीबन 15,000 है, जो ज्यादातर अलास्का का ही है, पर मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। और फिर वॉल्केनो से कुछ बाहर निकलते हुए देखा और वो वॉल्केनो जो मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट? हाँ, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट वॉल्केनो से बाहर निकल रहा था और उसी वक्त हमें वो रिंग भी दिख रहे थे जो एक जगह जाकर रुकी थी। और वो मतलब इस जगह पर? रुकिए, मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको सारी चीजें एक साथ दिखने लगेंगी। ओके ओके। और साथ ही हमें वॉल्केनो के पास ये दिखाई दिया, ये हरे रंग का गोलाकार ऑब्जेक्ट हमें वॉल्केनो के निचले हिस्से में दिखा। अगली फोटो जो हमने ली वो वर्टिकल ऑब्जेक्ट आसमान में कुछ इस तरह का दिखने लगा, कुछ चीज उसके अंदर गई और उसने अपना शेप बदल लिया। और ये देखने के बाद हमने खुद से कहा कि नहीं, बस बहुत हुआ, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और सच कहूँ तो मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ऊपर बढ़ गया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या वो देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था? वो बहुत बड़ा वॉल्केनो था और ये सब हम करीब 40-50 मील की दूरी से देख रहे थे। तो आप इस जगह से 40 या 50 मील की दूरी पर थे? हाँ, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो शायद ये मेरे ख्याल से आधा मील लंबा होगा। वाओ, ये काफी मजेदार है। अब देखिए, अब बात करें यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स के वॉल्केनो के पास देखने की, तो ये काफी कॉमन है। जब पहली बार यूएफओ को देखा गया था तब वो अपनी पूरी टुकड़ी के साथ नजर आए थे, जो बाद में वॉल्केनो में गायब हो गए। 24 जून 1947 को केनेथ आर्नल्ड वॉशिंगटन के माउंट रेनियर वॉल्केनो के पास अपना प्राइवेट प्लेन उड़ा रहे थे, जहां उन्हें 9 डिस्क स्पेस वाले ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज स्पीड से उस एरिया में उड़ते दिखाई दिए और जो पास ही के वॉल्केनो माउंट एडम्स के पास गायब हो गए। आज तक वॉल्केनोस के पास कई सारे यूएफओस को देखा गया है। इससे पहले हमने उन्हें देखा है मैक्सिको के कैनेरा आइलैंड पर, साउथ अमेरिका में, और भी दूसरी जगह है जैसे कि माउंट शास्ता, और उन्हें हवाई में भी देखा गया है जहां यूएफओ से जुड़ी कई गतिविधियों को देखा गया है। मतलब इससे हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वॉल्केनो में ऐसा क्या है, क्या चीज उन्हें अट्रैक्ट करती है। और मजे की बात यह है कि यह सिर्फ एक बार होकर नहीं रह गया, ऐसा दूसरी बार भी हुआ था। ओके। 6 महीने बाद मैं अकेला ही दूसरे एयरक्राफ्ट में था और मैंने अपनी लेफ्ट विंडो से बाहर देखा तो मुझे वहां बादलों का एक बहुत बड़ा घेरा दिखाई दिया जो अचानक आ गया, और वो भी मतलब वॉल्केनो के ठीक ऊपर ही, पर और वॉल्केनो के ईस्ट की ओर। मैंने अपनी जिंदगी में वैसा कुछ आज तक नहीं देखा। तो आसमान पूरी तरह से साफ है और वो अचानक आपके सामने आ गया। आपने भी तो फोटो देखी। मैंने अच्छा। जो फोटो ली थी 1 मिनट पहले, आसमान बिल्कुल साफ था और अचानक वो सामने आ गया। और मजे की बात यह है कि वो बादल 7 अलग अलग आकार में बटा हुआ था। अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ कुछ काला सा दिखाई देगा, कुछ सफेद लाइन के अंदर की तरह। हाँ। उसके दिखने के बाद मैंने एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड पर डाला और एयरक्राफ्ट अपने रूट के हिसाब से आगे बढ़ रहा था। फ्लाइट के रूट की वजह से मैं वापस उसी वॉल्केनो के पास पहुंचा। वापस आते वक्त मेरा एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट मोड पर था और मैंने नीचे देखा तो नोटिस किया कि मैं वॉल्केनो की तरफ करीब 35 डिग्री तक मुड़ चुका था। मैंने ऑटो पायलट मोड हटाया, रूट रीसेट किया और एयरक्राफ्ट को वापस ऑटो पायलट कर दिया। उसके बाद फिर सब नॉर्मल हो गया और मैं आसपास देखने लगा कि कहीं शायद कुछ और दिख तो नहीं रहा। मैंने फिर नीचे देखा तो एयरक्राफ्ट दोबारा वॉल्केनो की तरफ उड़ने लग गया।
ऐसा दो बार हुआ तो उसके बाद मैंने कहा अरे नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे एयरक्राफ्ट को चलाना चाहिए। फिर सब ठीक था, मैं खुद एयरक्राफ्ट उड़ाने लगा। पर ऑटो पायलट मोड पर मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि एयरक्राफ्ट खुद ब खुद कहीं खींचा चला जाए, मतलब ऐसा कभी नहीं होता। तो कहने का मतलब ऑटो पायलट वहाँ कुछ अजीब मैग्नेटिक एनर्जी को सेंस करके आपको वहाँ खींच रहा था। हाँ बिल्कुल, एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ चीज थी जो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। ये बिल्कुल उन जगहों की तरह लग रहा है जैसे कि कह सकते हैं बर्म्यूडा ट्रायंगल या वैसा कुछ, मतलब वहाँ ऐसी कोई एनर्जी मौजूद है जो अपनी ओर खींचती है और इससे पहले कुछ समझ में आए वो चीज अचानक गायब हो जाती है ना? ओ बिल्कुल ऐसा ही। मेरे लिए ये बहुत ही खास स्टोरी है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस तरह की फोटोज निकाल पाए। आपके पास गवाह भी हैं और पिछले 7 सालों से एयरप्लेन्स गायब हो रहे हैं, मिलिट्री प्लेन्स भी। ये सब घूम फिर कर एक रहस्य बनता जा रहा है जो अलास्का में है। एक्सपीरियंस पायलट होने पर भी थियो चेसरी अपने साथ हुए उन 2 हादसों का मतलब नहीं ढूंढ पा रहे थे और ना ही उस मैग्नेटिक एनर्जी को जो उनके एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड पर खींच रही थी। लेकिन एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट डेविड चिल्ड्रस के लिए फोटो के जरिए मिले ये सबूत कमाल के हैं। उनका नजरिया कमाल का है, ये समझ में आ रहा है कि वो जानकारी काफी पुख्ता और बहुत काम आने वाली है। ये सारे सबूत बताते हैं कि यहाँ अलास्का में जरूर कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। मैं 37 सालों से प्लेन उड़ा रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है, कई तरह के तूफानों का सामना किया है। कुछ अच्छे रास्ते थे, कुछ बहुत ही खतरनाक थे। मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगा, अगर आप कहेंगे कि आपने कुछ देखा है तो आपने जरूर देखा होगा। मैं उन लोगों में से हूँ जो अविश्वसनीय चीज पर विश्वास करने के लिए उस चीज को देखना पसंद करेगा, और जो मैंने देखा वो किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। जैसा थियो चेसरी ने बताया, क्या एलियंस का वहां मौजूद होना ही वजह है ऐसी विचित्र चीजें दिखने या एयरक्राफ्ट में खराबी होने की? और साथ ही दूसरे रहस्यमय हादसे और उस एरिया में लोगों के गायब होने के पीछे की? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है हाँ, और उनका ये भी मानना है कि सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अलास्का के पहाड़ों में एलियन के होने के संकेत दिए गए हैं। अलास्का के एल्यूशियन आइलैंड में जहां पायलट थियो चेसरी ने एक नहीं बल्कि 4-4 UFO की गतिविधियों को देखा, ये वो जगह है जो सन 1945 से ऐसी अजीब चीजें दिखने के लिए मशहूर है, जब एक US आर्मी की टीम ने एक बड़े से UFO को अलगैग आइलैंड के पानी से निकलते हुए देखने की रिपोर्ट की थी। पहले भी कई बार एल्यूशियन आइलैंड के आसपास कई UFO गतिविधियों को देखा गया है और करीब 57 वॉल्केनो एल्यूशियन आइलैंड के आसपास है और माना जाता है कि उनमें से कुछ वॉल्केनो के इर्द गिर्द कई तरह की असामान्य गतिविधियों को देखा गया है। पर एल्यूशियन आइलैंड के पूर्व में एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि इस तरह की विचित्र चीजों के लिए ज्यादा मशहूर है, जिसे कहते हैं द अलास्का ट्रायंगल। अलास्का ट्रायंगल 3 जगहों के बीच का एरिया है जो है एंकरेज, जूनो और बैरो अलास्का। और देखा जाए तो ये एरियाज लगभग कैनेडियन टेरिटरीज और स्टेट ऑफ अलास्का के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। अलास्का ट्रायंगल भी बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल के जैसा ही है, जहां सच में अजीब अजीब चीजें होती हैं, मगर उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। इस रहस्यमय जगह के बीचों बीच मौजूद है माउंट हेज, अलास्का के सबसे बड़े पहाड़ों में से एक, और जहां UFO को दिखने की बात कई बार सामने आई है। कई लोगों ने वहां देखे हैं UFO फ्लाइंग सोर्सेस, अजीब तरंगे, माउंट हेज के आसपास उड़ते हुए। वहां ऊपर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, माउंट हेज तक पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो है उड़ के जाना, जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कहां से आए जो माउंट हेज के आसपास उड़ते दिखे? दशकों से लोगों का अपनी आंखों से इन्हें देखना ही एकमात्र सबूत है जो बताता है कि माउंट हेज एक UFO हॉटस्पॉट है। पर 1995 में गोपनीय डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि माउंट हेज पर एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोग्राम भी हुआ था, जिसे नाम दिया गया था
स्टार भी। रिसर्चर्स जब CIA के डॉक्यूमेंट्स को देख रहे थे तब उन्हें पता चला कि माउंट हीस पर सरकार ने एक प्रोजेक्ट भी किया है और उन डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा था कि उस जगह के नीचे एलियंस के होने का सबूत पूरी तरह से सच है। रिसर्चर्स CIA के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एलियन के होने की बात को देखकर पूरी तरह चौंक गए थे और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। उन गोपनीय डॉक्यूमेंट्स के अनुसार माउंट हेज के नीचे एलियन बेस होने की जानकारी निकाली गई थी टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक के द्वारा, जिसे यूज किया गया था प्रोजेक्ट स्टार गेट में। इस टेक्निक का नाम था रिमोट व्यूइंग। रिमोट व्यूइंग टेक्निक को CIA ने कोल्ड वॉर के टाइम यूज किया था और देखा जाए तो ये एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है जिसमें एक लोकेशन से रिमोट व्यूअर जमीन के अंदर कई जगहों को आसानी से देख पाता है और जिससे उसे वहां की झलक का पता चलता है कि आखिर वहां क्या चल रहा है। प्रोजेक्ट स्टारगेट का एक खास मकसद था कि रिमोट व्यूअर्स का यूज करके, जो कि मन की आंखों से देखना है, ये इन्फॉर्मेशन निकालना कि आखिर सोवियत संघ क्या कर रहा है। स्टारगेट प्रोजेक्ट्स के सबसे फेमस रिमोट व्यूअर के तौर पर सामने आने वाले आदमी का नाम था पैट प्राइस। प्राइस वो पहले इंसान थे जिनका मानना था कि माउंट हेज के नीचे एक एलियन बेस है। जो उन्हें दिखता था वो उसे कागज पर बनाते थे और वो जो भी बनाते उसमें किसी तरह की गलती नहीं करते। एक बार पैट प्राइस ने माउंट हेज की रिमोट व्यूइंग की और उन्होंने देखा कि वॉल्केनो के अंदर कई तरह की चीजें बनी हुई हैं, ट्यूब्स, टनल्स। उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ने लगी तो वो अंदर चले गए। पेट प्राइस ने बताया कि उन्होंने माउंट हेज के अंदर जियोग्राफिक इंस्ट्रूमेंटेशन को बनते देखा जहां कंप्यूटर्स थे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें वल्केनो के अंदर कुछ इंसानों जैसे दिखने वाले अजीब जीव भी दिखे जो इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जो उनका मानना था कि मिलिट्री से जुड़े थे। प्राइस को डर होने लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना था और दोस्तों को बताया कि माउंट हेज के सीक्रेट बेस की रिमोट व्यूइंग ने उन्हें एक बड़े खतरे में डाल दिया है। लास वेगास में स्टारडस्ट में चेक इन करने के तुरंत बाद एक आदमी जानबूझकर उनसे टकराया और जिससे उन्हें पैर में जोर का दर्द हुआ और उसी शाम से उनकी तबीयत खराब होने लगी और दूसरे दिन सुबह उन्हें बेहोशी सी होने लगी और वो नहीं रहे। पैट प्राइस की मौत की सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हॉस्पिटल ने उनकी वाइफ तक को बताए बिना उनका दाह संस्कार कर दिया। मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना एकदम सही होगा कि क्या पैट प्राइस की रहस्यमयी मौत उन्हीं लोगों से मिलती जुलती है या नहीं है जिनकी दुखद मौत किसी जरूरी बात को सामने लाने या किसी रहस्य को उजागर करने या किसी ऐसी बात को जानने की वजह से हुई है जो बात उन्हें नहीं जाननी चाहिए थी। क्या पैट प्राइस से जुड़ी कहानी और प्रोजेक्ट स्टार गेट से मिली संकेतों से कहना सही होगा कि UFO का दिखना और अलास्का की भयानक जगह के बीच एक अच्छा खासा कनेक्शन है? शायद इससे जुड़े कुछ और सबूत सामने आ सके जब नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी के नीचे छुपी एक बेहतरीन संरचना की जांच की जाए जिसे जाना जाता है डार्क पिरामिड के नाम से। शिनजियांग प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न चाइना, 21 मई 1992। अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने की होड़ में चाइना ने उस वक्त अपने इतिहास का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। एक मेगाटन ब्लास्ट जो हिरोशिमा में गिराए गए एटम बॉम्ब से करीब 70 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे पूरे प्लैनेट में खतरनाक तरंगें फैल गई थी। वहीं हजारों मील दूर बैठे यूनाइटेड स्टेट्स के साइंटिस्ट ने पता लगाने में लग गए कि जमीन के अंदर इन तरंगों ने सफर कैसे किया, इस उम्मीद से कि जमीन के अंदर की कमजोरी या छुपी संरचना का पता लगा सके। पर जैसे ही ये तरंगे अलास्का पहुंची, साइंटिस्ट ने माउंट डेनाली के पास कुछ असामान्य चीजें नोटिस की
जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जब उन तरंगों की लहर पूरे अलास्का की जमीन पर फैलने लगी, तब एक पिरामिड के शेप की संरचना साइंटिस्ट की नजरों के सामने आई और जिससे पता चला कि एक बहुत बड़ी पिरामिड के शेप की संरचना माउंट डिनाली के नीचे छुपी हुई है, जो अलास्का ट्रायंगल के अंदर आती है। तब पहली बार डार्क पिरामिड नाम की चीज की खोज हुई। भूकंपीय यंत्रों से पता चला कि 550 फुट लंबी पिरामिड जैसी कोई चीज जमीन में 150 फीट नीचे है, जो माउंट हेज से सिर्फ 130 मील दूर साउथ वेस्ट में है, जहां रिमोट व्यूअर पैट प्राइस ने क्लेम किया था कि वहां जमीन के अंदर एलियन बेस है। इस रहस्यमय खोज के बाहर आ जाने से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट लिंडा मोल्टन हाउ ने इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी, और जिसने शायद साइंटिस्ट्स को मजबूर कर दिया कि माउंट डेनाली के नीचे चल रही गतिविधियों का पता लगाएं। आखिर क्यों जियोफिजिसिस्ट को इतना इंटरेस्ट होगा ये देखने के लिए कि अलास्का की जमीन के नीचे कुछ अजीब चीजें हैं या नहीं? यही सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता है। क्या गवर्नमेंट के पास इससे जुड़ी पहले से ही कुछ इन्फॉर्मेशन थी और ये बिल्कुल सही मौका था ये पता लगाने का कि आखिर चाइनीज क्या करने का सोच रहे थे? 2012 में कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो पर जब डार्क पिरामिड पर अच्छा खासा डिस्कशन हुआ, तब ब्रूस पियर्सन ने लिंडा से कांटेक्ट किया और कहा कि उनके पास कुछ जरूरी जानकारी है जो अलास्का की जमीन में छुपी चीजों के बारे में है, जिसे वो उन्हें बताना चाहते हैं। फिर मेरी बात हुई ब्रूस पियर्सन से, और उनके डैड पहले नेवी में हुआ करते थे, और उन्होंने मुझे अपने डैड की अलास्का ट्रिप के बारे में बताया, जहां वो एक पुराने नेवी पायलट से मिले। उन दोनों ने कुछ मिनट बात की और पायलट ने कहा, हम अभी एक राउंड पर निकल रहे हैं, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चले, साथ कुछ बातें भी हो जाएंगी। मेरे डैड मेरे लिए दोस्त जैसे थे, और मेरे ख्याल से अलास्का में लोग चीजें कुछ अलग ढंग से करते हैं, क्योंकि वहाँ सरवाइव करने की चाहत लोगों को आपस में जोड़ती है। एक बार की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि वो पायलट से बात कर रहे थे, और पायलट ने उन्हें बताया कि उसे वो एयरक्राफ्ट किसी ऐसी जगह पर ले जाना है जो सुरक्षित है और सीक्रेट इंस्टॉलेशन है। उनके पास कुछ सामान था जिसे वो सिल्वर कंटेनर कह रहे थे, और उन्हें वो वहां पहुंचाना था। रास्ते में जाते वक्त वो और उनके को पायलट ने मेरे डैड को समझाया कि सुनो, हमें बताया गया है कि उस जगह पर काफी मैग्नेटिव खिंचाव रहेगा, और जिस वजह से हेलीकॉप्टर अजीब बर्ताव कर सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम विजुअल फ्लाइट रूल्स को फॉलो करेंगे। ब्रूस ने कहा, जब उनके डैड वो कहानी सुना रहे थे तो उनके हाथ कांपने लगे थे, और जैसे ही वो उस लोकेशन पर पहुंचे, हेलीकॉप्टर पूरी तरह से हिलने लगा और गोल गोल घूमने लगा, मानो वो क्रैश होने वाला हो। पर हेलीकॉप्टर पायलट उन्हें बार बार दिलासा दे रहे थे कि वो घबराए नहीं, और वो देखते हैं कि वहीं जमीन के नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड बिछी हुई थी, और बस उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। वहां पहुंचते ही कुछ लोग काले यूनिफॉर्म्स में बाहर आए, ना कोई बैज था और ना कोई बात की। वो लोग आए, हेलीकॉप्टर से वो सारा भारी सामान बाहर निकाला, अपना कुछ सामान हेलीकॉप्टर में वापस रखा, और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बैंग, पल भर में सब गायब। डैड ने बताया कि सबसे अजीब बात थी कि हम हेलीकॉप्टर से बाहर तक नहीं निकले, फ्यूल डाला और वापस निकल लिए। उन्होंने हेलीकॉप्टर को बंद तक नहीं किया, और ये रूल्स के बिल्कुल अलग है। वहाँ कोई जंग नहीं चल रही थी कि चलते हुए हेलीकॉप्टर में फ्यूल डाला जाए, तो वो सब बहुत अजीब था। उसके कई दिनों बाद उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई, और मैंने कहा वाह। मैंने जानने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। ब्रूस पियर्सन ने जो कहानी बताई वो माउंट डेनाली की ही थी। ये वही एरिया है जहां डार्क पिरामिड की बात सामने आई, जो शायद जमीन के अंदर है। कई सालों से लिंडा बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करती आई है, जो क्लेम करते हैं कि उनके पास माउंट डेनाली की धरती के अंदर बनी रहस्यमय संरचना से जुड़ी जरूरी जानकारी है। उसके बाद वो एक आदमी से मिली जिन्होंने क्लेम किया कि उनके डैड खुद डार्क पिरामिड के अंदर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके डैड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक के लिए काम करते थे,
और वो बाकियों से काफी होनहार इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे जिन्हें अपने काम के लिए एक लोकेशन पर भेजा गया था और जो थी माउंट डेनाली के वेस्ट में। उनके डैड ने बताया कि वहां से सामान ले जाने के लिए एक बड़ी लिफ्ट थी जो जमीन के बाहर निकल रही थी और उसके निचले हिस्से में पहुंचते हैं तो आपको दिखेगा एक बड़ा सा रूम ऑफिस जैसा। उनके डैड को बताया गया कि वो असल में पिरामिड के बिल्कुल निचले हिस्से में रहते हैं और ये कि पिरामिड के तीनों कोनों में अलग अलग ऑफिस हैं जो असल में एनर्जी को मॉनिटर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने उस आदमी के बारे में बताया जो उन्हें वहां मिलने आया और कहा कि हम यहां पिरामिड से आ रही एनर्जी को मॉनिटर कर रहे हैं जो इतनी तेज है कि पूरे कनाडा को बिजली दे सकती है। क्या माउंट डेनाली रेंज के नीचे सच में एनर्जी का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की जांच करके पाए जा सकते हैं। देखा जाए तो उसकी मौजूदगी वहां के विशाल एरिया तक फैली हुई है जहां माना जाता है कि डार्क पिरामिड भी मौजूद है। माना गया है कि ये मैग्नेटिक तरंगें जो वहां की धरती पर मौजूद हैं वो काफी रैंडम बिखरी हुई और वहां के विशाल एरिया में फैली हुई है। वो इतनी ज्यादा है कि वहां का टेम्परेचर कभी कभी 30 डिग्री तक चला जाता है। तो वो क्या चीज है जो इन तरंगों को पैदा कर रही है? ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि कुछ असामान्य और अजीबोगरीब टेक्नोलॉजी की वजह से ये पैदा हो रही है जो असल में डार्क पिरामिड के अंदर है। क्या ऐसा मुमकिन है कि माउंट डेनाली की धरती के नीचे छुपा हुआ एक पुराना पिरामिड इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी को पैदा कर सकता है? अगर ऐसा है तो क्या वो रहस्यमय संरचना जो माउंट हेज की धरती के नीचे एक सीक्रेट बेस बनाए हुए है अलास्का में पिछले हजारों साल से एलियंस के होने की ओर इशारा करती है? एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि हाँ, और उनका मानना है कि ये कौन है और क्या है। इस सवाल का जवाब इन्यूट कल्चर की कहानियों में पाए जा सकते हैं जिसमें उन्होंने शायद स्काई गॉड से या फिर कुछ दूसरे जीवों से संपर्क किया। अलास्का बाहर से आए कई तरह के दर्जनों उत्तरी अमेरिकन लोगों का घर है जो वहां दशकों से रह रहे हैं और कुछ केसेस तो हजारों सालों से है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अलास्का के बाहर से आए प्राचीन उत्तरी अमेरिकन्स ने उसे अपना घर बनाया था। वहाँ नॉर्थ कोस्टल रीजन से आए इन्यूट लोग भी थे, वहाँ सेंट्रल अलास्कन रीजन के अथाबास्कन लोग भी थे जिन्हें यूपी कहा जाता था, और फिर साउथ ईस्ट अलास्का में रहते क्लिंकेट और हाइडा समुदाय के लोग। अलास्का में हर तरह के समुदायों की एक अलग परंपरा हुआ करती थी, पर हर समुदाय के लोगों के पास एलियन से जुड़ी कहानियां थी जो उनके पूर्वजों के साथ हुई। तो मेरी पोस्टिंग अलास्का में 92 से 95 के बीच हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के एलमेंड्रोफ एयरफोर्स बेस पर, और मैंने वहां के लोगों की जबानी उनकी कहानियों के बारे में जाना। वो बताते थे कि उनके पूर्वज आसमान में कुछ अजीब तरंगों के बारे में बताते थे और विचित्र जीव के बारे में जो उन्हें दिखाई देते थे। इन समुदायों की कुछ जरूरी कहानियां हैं कि वो उन लोगों से कांटेक्ट करते थे जो इस ग्रह के नहीं हैं और उन्हें कहा जाता था स्टार पीपल। स्टार लोगों की कहानियों के साथ अलास्का के कई समुदायों में प्राचीन परंपरा के अनुसार वो आसमान से आए बड़े पंखों वाले दानवों को मानते। अलास्का में कई तरह के अजीब लीजेंड्स हुए हैं और मॉडर्न रिपोर्ट्स के अनुसार बड़े पंखों वाले पंछी जैसे कि थंडरबर्ड्स आसमान से उतरकर लोगों को पंजे में पकड़कर ले जाते थे। थंडरबर्ड्स असल में कई सालों से उत्तरी अमेरिकन लोगों के इतिहास और उनकी संस्कृति के साथ जुड़े हैं, और वो थंडरबर्ड न सिर्फ दिखने में बहुत ज्यादा बड़े होते थे बल्कि कई बार ऐसा भी देखा गया था कि उनके अंदर से गरजते हुए आसमान की आवाज निकल रही है, और कभी कभी तो उनकी आंखों से तेज लाइट निकलती भी देखी गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस को देखा हो और उसे जीव मानने की गलती कर बैठे हों? क्योंकि ऐसा होना मुमकिन है।
और अगर इस पर गौर किया जाए तो मत भूलिए कि आजकल पायलट ऐसा मानते हैं कि उनके एयरप्लेन्स और कोई नहीं बल्कि पंछी हैं। प्राचीन अलास्कन कहानियों के अनुसार आसमान में दिखी अजीब चीजों या तारों से आने वाली जीव आज के समय में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं को पूरी तरह साबित करती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और दूसरी दुनिया के जीवों से जुड़ी हुई है। अलास्का की हर कहानी एक दूसरे से बहुत जरूरी कड़ी से जुड़ी हुई है और जिसका सीधा कनेक्शन अलौकिक जीवों से है। ऐसे कई चश्मदीद गवाह भी हैं जिन्होंने उन विचित्र और खतरनाक जीवों को देखा है जो उन समुदायों की कहानियों में बताए गए हैं। इनुइट कहानियों में अब तक का सबसे खतरनाक जीव जो सामने आया है वो है कुश्ताका। ये जीव अपना आकार बदल लेता है और हजारों सालों से वो लोगों को दिखता आ रहा है। जिस तरह अलास्का में कई बार यूएफओ और दूसरे ऑब्जेक्ट के दिखने की खबर को पूरी तरह सच माना गया है, तो क्या ये भी मुमकिन है कि जो कहानियां हमने विचित्र जीवों के बारे में सुनी वो दूसरी दुनिया से जुड़ी हैं? इस बात की ओर थोड़ा और गौर करते हुए एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि कुछ प्राचीन उत्तरी अमेरिकन लोगों का मेल आज की कहानियों के छोटे और सफेद एलियन से हो रहा है जो इंसानों का अपहरण करते हैं। उन छोटे एलियंस के मुकाबले कोई और जीव इतना खतरनाक नहीं है जिन्हें कई तरह के नामों से जाना जाता है, जैसे एनुकिन्स, अर्चिन रॉक, चिन्सियोग। शायद उनकी सबसे डरावनी बात यह है कि वो इंसान को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें किसी और दुनिया में ले जाते हैं जहां से वो टाइम पर काबू पा सकते हैं। और असल में उन छोटे जीवों में कुछ अलग तरह की मैजिकल शक्तियां भी होती थी। जो एक कड़ी उनकी हर कहानी से मेल खा रही थी वो है इंसानों का अपहरण करना। ये चीज यूएफओ होने की बात से सीधी जुड़ी हुई है, जहां लोग यूएफओ से डरते हैं क्योंकि उनका मानना है कि एलियंस धरती पर आकर इंसानों का अपहरण करके उन्हें ले जाते थे। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार अलास्का के इन अजीब जीवों का दिखना एक और चीज की ओर इशारा करता है, जो है किसी पोर्टल या वॉर्म होल का होना जो ब्रह्मांड की दूसरी ओर खुलता हो या किसी दूसरे डायमेंशन में। एक थियरी है कि दूसरी दुनिया से आए जीव वर्म होल का यूज करते हैं, साइंटिफिकली जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस के नाम से जाना जाता है, जो स्पेस टाइम का शॉर्टकट है। मतलब यूएफओ जरूर किसी अदृश्य जगह से धरती पर आते हैं और वापस उसी में गायब हो जाते हैं, और इस तरह की घटना कई बार हुई है जो आप इससे जुड़ी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। अलास्का के इस रहस्य को जानने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पता नहीं, वहाँ कुछ तो जरूर है, कुछ ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता, या फिर हमारे दिमाग में उसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। क्या इसका जवाब उत्तरी अलास्का के प्राचीन लोगों के पास है कि इन अजीब या दूसरी दुनिया के जीवों का हजारों साल से धरती पर बार बार आने के पीछे असल में क्या रहस्य है? जहां तक एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट की बात है, उनका मानना है हाँ, और उनका ये भी कहना है कि अलास्का का बंजर इलाका दूसरी दुनिया से आने वाले जीवों के लिए एक परफेक्ट जगह है। एंशियंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार एक सवाल कि धरती की दूसरी जगहों के अलावा ये विचित्र चीजें अलास्का में ही सबसे ज्यादा क्यों दिखती हैं? इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है कि अलास्का का बंजर और सुनसान इलाका दूसरी दुनिया से आने वाले जीवों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो इस ग्रह से जुड़े रहना चाहता है बिना सामने आए। अलास्का का इलाका बहुत ही सुनसान है, जहां बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं, और इसलिए दूसरी दुनिया से आए जीवों के लिए यह जगह बहुत ही कारगर है। यहां बहुत सारे वोल्केनोज हैं, एक विशाल इलाका जो हमेशा सुनसान रहता है। वैसे ये सच में सबसे बड़े सरहदों में से एक है और जहां हर तरह की चीजें होना मुमकिन है। वहां के पूरे राज्य में हर तरह की अजीब चीजें अक्सर होती रहती हैं, और ये ज्यादातर चीजें वहां की सुनसान जगह पर होती हैं जहां कोई नहीं होता, तो मन करता है कि इसे और जाना जाए। अब मैं नहीं चाहता कि कुछ और कहानी आपको सामने लाऊं, क्योंकि पहले ही इतना कुछ सामने आ चुका है कि उसी का जवाब नहीं मिल पा रहा।
अलास्का में काम करने के बाद एक बात तो पक्के से कह सकता हूँ कि अलास्का बहुत ही खतरनाक जगह है। हालांकि अलास्का के इलाके की बात करें तो इसका रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ कई बार यूएफओ को देखा गया है और बिल्कुल उनके गायब होने के अनुमान को भी लगाया गया है, और जिसमें ज्यादातर हाथ है प्राचीन उत्तरी अमेरिकन परंपराओं का जो पिछले कई दशकों पहले की जाती थी। तो मुमकिन है हम अपनी समझ से बहुत बड़ी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। अलास्का में जब आप उन सारी जगहों से सबूत को लाते हैं, चाहे वो आपके दिमाग की उपज हो या फिजिक्स के नजरिए से हो, या चाहे वो डार्क पिरामिड से जुड़ी हुई हो, मैग्नेटिक एनर्जी से जुड़ी हुई हो, या किसी ऐसी चीज से जुड़ी हुई हो जिसका इस पर असर पड़ता है। एक पढ़ा लिखा इंसान इस बात को कभी इनकार नहीं कर सकता है कि उसके सामने ये सारे सबूत जो आ रहे हैं उनका इस मुद्दे पर कुछ लेना देना नहीं है। या आज तक जब भी यूएफओ देखा गया है वो किसी और वजह से था, और इसका असल में होना लोगों के होश उड़ा सकता है या उन्हें रुकने और सोचने पर मजबूर कर सकता है कि इस वक्त पर हम कहाँ रह रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरह की मदद और जरिए दिए हैं कि हम दूसरे जीवों के बारे में जान सकें, क्योंकि आज हमारे पास सैटेलाइट और रेडार टेक्नोलॉजी है जिनके जरिए हम स्पेस की हर गतिविधि को बेहतर नजरिए से देख सकते हैं, जो पहले कभी मुमकिन नहीं हो सका है। और मुझे उम्मीद है कि साइंटिस्ट्स आगे चलकर सैटेलाइट्स में कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जिससे अलास्का के रहस्य को उजागर किया जा सकेगा, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि वहां पर कुछ तो जरूर है। लोगों का लापता होना, अजीब तरह के जीव, एक सीक्रेट बेस जमीन के अंदर, पिरामिड, ये सारी इंफॉर्मेशंस जो अलास्का की धरती से मिली हैं, जिसमें यूएफओ का दिखना भी शामिल है, क्या इसे दूसरी दुनिया के लोगों से जोड़ता है? शायद अलास्का का विशाल और बंजर इलाका, वहां की ठंड और लोगों का न होना उसे एक परफेक्ट जगह बनाता है जहां एलियंस का जिंदा रहना मुमकिन है।